जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रखा, देश विदेश में खत भिजवा दिए, हम अपनी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो इस धनुष को तोड़ेगा। राजा महाराजा सब आने लगे हैं और इधर में एक खत गुरु विश्वामित्र जी के पास में पहुंचा। आजमगढ़ से गुरु विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के चले हैं। जिस समय आजमगढ़ से गुरु विश्वामित्र के साथ में राम और शेषावतारी लक्ष्मण चले, मिथिलापुरी में आकर के पहुंचे हैं। कि चले हैं रघुराई और पहुंचे फूलबाग में आई। चले पूज
पूजा के हेतु हमें पुष्प की आवश्यकता है, पुष्प लेकर के आओ। राम और लक्ष्मण दोनों भैया पुष्प लेने के लिए चले हैं। बसंत खड़ा कुंजों की पहरे श्री राम चले पहुंचे विदेह फुलवारी में, ऐ रहता था जहां बसंत खड़ा कुंजों की पैरे तारे। भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण पुष्प लेने के लिए जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं और इधर में मां सीता भोजन करने के लिए चली हैं। भगवान श्री राम भी पहुंचे हैं। भगवान श्री राम ने देखा है उस फुलबगिया के बीच में एक बहुत सुंदर सरोवर है और सरोवर के पास में मां गिरिजा जी का मंदिर है। बहुत सुंदर, ऐसा ही नहीं कि चौकोर चार चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है। बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। लक्ष्मण पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए आए। बाग में घूम रहे हैं, सीता जी ने गिरिजा जी का भोजन किया। गिरिजा जी का जब सीता जी ने पूजन किया तो ये कहा है गिरिजा जी से, हे मां मुझे हमारे समान वर देना। पूजन करने के बाद में मंदिर से बाहर आई और सीता जी की एक सहेली फूल बाग में घूम रही है। उसने देखा
भैया इतले सखियन को संग जान की जरूर और फूल बाग में आई कैसे इतले सखियन को संग जान की और फूल बाग में इत बगिया के बीच में पहुंचे लक्ष्मण आए हुए हैं सुनो अरे सुनो सजनी राम
पिताजी से बहना राम और लखन हमारे इस फूल बाग में आए हैं। सीता जी ने गिरिजा जी का पूजन किया, अपने समान वर मांगा है। जिस समय बोलिए गोविंद भगवान की, और इससे अग्रम चर्चा रात्रि की बेला में समय हो चुका है, सभी लोग भगवान की आरती करेंगे। दो शब्दों में प्रभु का नाम।